तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं पोम ट्राय अनुराग चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट डॉग फूड कौन सा है इस चारों में से, क्योंकि ये चारों ब्रांड इंडिया में सबसे टॉप लीडिंग करता है। पेडिग्री, फिर ड्रूज, फिर फोकस जो कि ड्रूज का ही आता है, और फिर रॉयल कैनिन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल पे 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और इसमें से लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों के पास डॉग है। दोस्तों वो सारे लोग अपने अपने डॉग को कुछ ना कुछ डॉग फीड देते हैं, तो उनका मेरे पास पूरा डाटा है क्योंकि वो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं और मुझे बताते हैं कि उनके पास जो डॉग फूड वो दे रहे हैं क्या किस तरीके से उनके डॉग पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा श्योर होके देखिएगा कि मैं जो आपको बताऊंगा एक डाटा से बताऊंगा, ये नहीं कि मैं अपने मन से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंडिया में बहुत सारे ब्रांड हैं, लगभग 40 से ज्यादा पॉपुलर ब्रांड हैं। ठीक है तो बहुत ज्यादा, लेकिन लगभग 40 से ज्यादा पॉपुलर ब्रांड हैं और सबसे ऊपर जो टॉप लीडिंग कर रहा है वो मैं चार का लिया है और इस चारों में से बताऊंगा सबसे बेस्ट कौन है और कौन सा डॉग फूड आपके डॉग को बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो सबसे पहला आता है पेडिग्री, मतलब पेडिग्री पहला नंबर नहीं बता रहा हूं, मतलब मैं इस ग्रुपिंग में लिया हूं और आगे बताऊंगा कि कौन सा बढ़िया है। पेडिग्री, फिर ड्रूज, फिर फोकस, फिर रॉयल कैनिन। दोस्तों किसी भी डॉग फूड को अच्छा बताने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि डॉग फूड के अंदर क्या है, और डॉग फूड के अंदर क्या है ये कंपनी बताती है। ठीक है, और हर डब्बे के पीछे लिखा हुआ होता है कि उसमें क्या क्या चीजें डाली हुई है, और कंपनी अपने ऑफिशियल पेज पे भी डाल के रखता है कि उसमें वो क्या क्या मिलाया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इस चारों डॉग फूड में से मैं एक ऐसा खुलासा करूंगा जो आप जान करके दंग हो जाओगे, आपको इससे पहले नहीं पता होगा डॉग फूड के बारे में। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए मैं जो प्राइस बता रहा हूँ वो 1 kg का प्राइस बताऊंगा। ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग हम क्वालिटी देखेंगे और फिर मेजर करते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया पेडिग्री पप्पी एंड चिकन मिल्क, ठीक है, पेडिग्री का आता है पप्पी का, चिकन और मिल्क, वो लगभग 1 kg 178 रुपये का आता है। ये मैंने ऑफिशियल डाटा से लिया है, 5-10 रुपये आगे पीछे अकॉर्डिंग टू सीजन हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो 1 kg का पेडिग्री का 178 रुपया होता है, और फिर आता है ड्रूज पपी चिकन एंड एग, ठीक है, उसका आता है 183 रुपये। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा इस डॉग फूड के अंदर क्या क्या है और कौन सा फूड आपके डॉग के लिए बेस्ट है जो आपके डॉग को बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। और तीसरा है फोकस पपी फूड, तो इसमें मैंने इसका जो 1 kg का प्राइस वो है 375 रुपया, फोकस पपी फूड। और जो चौथा है वो है रॉयल कैनिन लेब्राडोर जूनियर, तो इसका जो प्राइस है 1 kg का अराउंड 548 रुपया, ठीक है, 548 रुपया 1 kg का। तो अब चलिए बात करते हैं कि सबसे बेस्ट डॉग फूड कौन है, सीरीज से बात करते हैं। सबसे पहला पेडिग्री का, दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों ये चार्ट ये दिखलाता है कि ये डॉग फूड जो है चारों उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो कि ऊपर पेडिग्री पपी चिकन एंड मिल्क होगा सबसे उस साइड में, राइट साइड में। तो दोस्तों जो जो रेड चीज में आपको दिखाई पड़ रहा है, रेड चीज जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो चिकन है, वो मीट है जो प्रोटीन का मेन सोर्स है। सो सबसे पहले हम देखते हैं पेडिग्री का, दोस्तों वो रहा पेडिग्री, और सबसे पहले हम देखते हैं पेडिग्री का। दोस्तों पेडिग्री में जो प्राइमरी सोर्स है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा डाला हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो कंपनी ने बताया है, ठीक है, जो सबसे ऊपर रखा हुआ है ये चार्ट में वो सबसे ज्यादा है इस फूड में, ये कंपनी का, हर कंपनी का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पेडिग्री में देखते हैं, उसमें है सीरियल्स एंड सीरियल्स बाय प्रोडक्ट, मतलब ये हुआ कि उसमें सीरियल्स भी डाला हुआ है और उसके बाय प्रोडक्ट भी डाले हुए हैं, मतलब जो खाया, जो मेन प्रोटेक्ट उसके जो कंटेंट है, जो आदमी खा लेता है फिर जो छोड़ता है वो पार्ट है, तो वो पेडिग्री का होगा। सबसे पहला उसमें सीरियल्स आ गया, वो आप गौर करना, और दूसरा उसमें है मीट एंड मीट बाय प्रोडक्ट, मतलब ये हुआ कि थोड़ा बहुत उसमें मीट भी है और थोड़ा बहुत उसमें वो चीज़ें भी हैं जो आदमी मेन चीज लेकर के और जो चीज़ें छोड़ देता है, जो नहीं खाता है वो होता है बाय प्रोडक्ट। और फिर तीसरा आता है चिकन एंड चिकन बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ये पेडिग्री का है।
और उसमें चौथा आता है वेजिटेबल एंड वेजिटेबल बाय प्रोडक्ट, ठीक है, और उसमें जो पांचवा चीजें हैं वो है वेजिटेबल एंड ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा मात्रा है पेडिग्री में वो है सीरल्स एंड सीरल्स बाय प्रोडक्ट। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा सीरल्स आ गए हैं तो आपके डॉग को समझ सकते हो कि ये किस तरीके से फायदा कर सकता है, क्योंकि डॉग को चाहिए मीट, चाहिए प्रोटीन, चाहिए। तो इस तरीके से पेडिग्री में सबसे ज्यादा मात्रा में सीरल्स आ गए, दाने वगैरह आ गए, तो वो डॉग को उतना ज्यादा फायदा करता नहीं है। दोस्तों अब आ जाते हैं हम ड्रूल्स पप्पी चिकन एंड एग, जो दूसरे नंबर पे है। दोस्तों उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है चिकन, इस कंपनी का कहना है कि उसमें सबसे ज्यादा चिकन डाला हुआ है, फिर होल ड्राई एग्स डाला हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्न डाला हुआ है। दोस्तों कॉर्न जो होता है डॉग के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर उसके बाद आता है राइस और फिर आता है व्हीट। दोस्तों इसका एक केजी का प्राइस 183 रुपया होता है। और आगे देखते हैं ये जो न्यूट्रिएंट का चार्ट है वो पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा। प्लीज ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन प्लीज ये वीडियो देखिएगा तो ही आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। फिर आता है फोकस पपी फूड, जिसमें कि जो ये तीसरे नंबर पे है उसमें है रियल चिकन, और दूसरे नंबर पे है होल ड्राई एग्स, और तीसरे नंबर पे है लॉन्ग ग्रेन राइस, फिर ओटमील और फ्लैक्स सीड ऑयल। तो इसमें पांचों चीज आपने देखा। और फिर आता है रॉयल कैनिन, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। दोस्तों ये है राइस डिहाइड्रेटेड पोल्ट्री प्रोटीन, दूसरे नंबर पे है रॉयल कैनिन, इतना बड़ा ब्रांड है फिर भी उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में राइस है। आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर राइस लिखा हुआ है, ये मैं नहीं, ये कंपनी खुद लिखता है। और दूसरे नंबर पे है डिहाइड्रेटेड पोल्ट्री प्रोटीन, और तीसरे नंबर पे है माइस। दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आप पिक्चर देख रहे हो माइस क्या है। फिर है वेजिटेबल प्रोटीन आइसोलेट, और तीसरे नंबर पे है माइस ग्लूटेन। दोस्तों माइस जो है डॉग के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। तो इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी वो अपने फूड में प्राइमरी सोर्स राइस रखा हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट इसमें से कौन है, कौन आपको लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हो पेडिग्री। दोस्तों ये जो पेडिग्री है ना, ये किसी लेवल में आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है वो सीरल्स एंड सीरल्स बाय प्रोडक्ट डाला हुआ है, ठीक है, और प्राइमरी सोर्स इसका जो है, तो ये आप देख सकते हो कि आपको डॉग किस तरीके से हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें सीरल्स है और सीरल्स बाय प्रोडक्ट है, तो वो पेडिग्री जो है वो रेस से बाहर हो गया। पेडिग्री को मैं कभी भी रिकमेंड आपको नहीं करूंगा, सिर्फ उसमें फ्लेवर डाल के और आपके डॉग को दिया जाता है, जो कि पूरे तरीके से आपके डॉग के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो पेडिग्री तो सबसे पहले हट गया, क्योंकि उसमें कुछ दिखा ही नहीं रहा है, और जो भी मीट डाला हुआ है उसमें वो मीट बाय प्रोडक्ट डाला हुआ है, मतलब जो आदमी नहीं खाता है वो भी डाला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होंगे। और देखिए और आगे देखते हैं, आगे जो ड्रूल्स है, ड्रूल्स पप्पी चिकन जो दूसरे नंबर पे है, उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें कॉर्न डाला हुआ है, तो वो भी उतना ज्यादा सही नहीं है डॉग के लिए, क्योंकि कॉर्न डॉग के लिए फायदेमंद नहीं होता है। अब बात करते हैं रॉयल कैनिन और पप्पी, रॉयल कैनिन का लैब्राडोर जूनियर और फिर फोकस पप्पी फूड। दोस्तों इस रेस में मात्र दो ही डॉग फूड बच चुके हैं, क्योंकि पेडिग्री सबसे पहले ही छटा गया, उसमें कुछ है ही नहीं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे आता है ड्रूल्स। दोस्तों अगर आप लेने जा रहे हो तो पेडिग्री के बदले में आप ड्रूल्स ले सकते हो, ठीक है, ये मेरा रिकमेंड है, क्योंकि पेडिग्री में कुछ है ही नहीं अकॉर्डिंग टू ड्रूल्स के मामले में, तो ड्रूल्स बेटर है पेडिग्री से। अब बात करते हैं फोकस। दोस्तों फोकस जो है वो ड्रूल्स का ही आता है, जो कि ड्रूल्स पपी चिकन एंड एग है और पेडिग्री से बेटर है। और अब जो मेन टक्कर आ गया वो आ गया रॉयल कैनिन और लेब्राडोर, रॉयल कैनिन लेब्राडोर जूनियर और फोकस पपी फूड। दोस्तों इस दोनों का इंग्रेडिएंट देखोगे ना, तो फोकस पपी फूड में सबसे पहला नंबर पे आता है रियल चिकन, सबसे पहला नंबर पे, जबकि और रॉयल कैनिन में पहला नंबर पे आता है राइस। दोस्तों यहाँ जो टक्कर है ना वो पूरे तरीके से हट गया, यहाँ पे फोकस पप्पी फूड जो है वो रॉयल कैनिन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। मुझे पता नहीं कि
क्यों ऐसा लोग रिकमेंड करते हैं कि रॉयल कैनिन बेस्ट डॉग फूड है, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं कंपनी का चार्ट देख रहा हूँ, उस तरीके से फोकस पपी फूड जो है वो रॉयल कैनिन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका प्राइस 375 रुपया ही है एक केजी का और रॉयल कैनिन का 548 रुपया है एक केजी का। तो प्राइस का कंपैरिजन करें और क्वालिटी का कंपैरिजन करें तो फोकस पपी फूड रॉयल कैनिन के मुकाबले सबसे ज़्यादा बढ़िया है और इस चारों में से सबसे बेस्ट हमारा फोकस पपी फूड है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा फोकस पपी फूड है वो चारों फूड को किस तरीके से बीट कर चुका है और हमारा फोकस पपी फूड जीत चुका है। रॉयल कैनिन के मुकाबले फोकस पपी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। दोस्तों आप वो ले सकते हो अकॉर्डिंग, ये रॉयल कैनिन आप ना भी लो, क्योंकि जिस तरीके से मैंने चार्ट देखा कंपनी के द्वारा ही दिया गया था, कंपनी अक्सर चट बढ़ के ही बोलता है और जिस तरीके से उसने अपना चार्ट दिया उसके मुकाबले अगर बात किया जाए तो ड्रूस रॉयल कैनिन के मुकाबले बहुत ही बेटर है। दोस्तों इंडिया में और भी ज़्यादा अभी कंपनी आ रहे हैं, कुछ एरिना करके कुछ कंपनी है और भी कुछ कंपनी है, स्मार्ट हट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा क्योंकि वो भी अभी मार्केट में बहुत ही तेज़ी से अपना जगह बना रहा है। लेकिन जगह बनाना ही एक मेन कारण नहीं है, वो मार्केटिंग भी होता है। तो आगे मैं केस स्टडी करके आपको बताऊंगा कि इस सभी में से बेस्ट कौन सा है। फिलहाल अगर आप अपने डॉग को एक बेस्ट डॉग फूड देना चाहोगे तो आप फोकस का दे सकते हो। और दोस्तों एक और भांडा मैं आपको फोड़ना चाहूंगा। दोस्तों मैं खोजते खोजते एक वेबसाइट पे गया, ठीक है, जहाँ पे मैंने रॉयल कैनिन का, मैंने बहुत सारा वेबसाइट रॉयल कैनिन का मैंने देखा कि किस तरीके से लोगों ने रिव्यू किया हुआ था। मेरा दिमाग पूरे तरीके से हिल गया क्योंकि उसमें मैंने लगभग 100 के आसपास रिव्यू मैंने देखे थे, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, याद नहीं, तो लगभग 100 से ज़्यादा रिव्यू थे और उसमें से लगभग 90% रिव्यू हेटेड थे, मतलब कि वो बता रहे थे कि रॉयल कैनिन मेरे डॉग पे बहुत ही बुरा असर किया है। मैं उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो लिंक क्लिक करके आप देख सकते हो कि रॉयल कैनिन का किस तरीके से बुराई किया गया है और जो भी लोग बुराई किए हैं वो वेरीफाइड परचेजर हैं, जो उन्होंने वेरीफाई किया हुआ है। पता नहीं कौन सा पेज है लेकिन जो भी पेज है उस पे जो भी लोगों ने रिव्यू किया है वो पूरी तरीके से वेरीफाई है, मतलब कि वो जेन्युइन बंदा है, ऐसा नहीं कि कोई हेटर आके उन्होंने उस पे कमेंट किया, नहीं, उस पे जो भी लोगों ने कमेंट किया वो पूरे तरीके से सही है। और उसमें रॉयल कैनिन के जो उसमें रिव्यू दिए गए थे बहुत ही गंदा रिव्यू था, ठीक है, मतलब इतना बड़ा ब्रांड हो करके फिर इतना गंदा रिव्यू कैसे आ सकता है, मेरे दिमाग के परे है। और इसका प्राइस 500 के आसपास है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप फोकस पे ही जाइए। और आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा। दोस्तों पेडिग्री किसी भी मुकाबले में कोई भी टक्कर नहीं दे रहा है, अगर आपको लेना है तो आप ड्रूस ले सकते हो, उसके बाद आप ले सकते हो पपी फोकस फूड। दोस्तों एक बात और, मैं अपने दिल की बात बताऊं ना, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे लेकिन मैं अपने दिल की बात बताऊं तो मुझे किसी भी डॉग फूड पे विश्वास नहीं है, क्योंकि रॉयल कैनिन जो वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी आप कह सकते हो फूड के मुकाबले में, जो नंबर वन रैंकिंग करता है, ठीक है, टॉप मोस्ट कंपनी में आता है, उसका इतना ज़्यादा मैंने बुराई देखा, उतने पेज पे इतना ज़्यादा हेटर थे, इतना ज़्यादा लोगों ने बताया कि मैंने जब डॉग पे यूज़ किया तो कितना बुरा असर पड़ा, मेरा जो विश्वास है ना डॉग फूड पे वो पूरी तरीके से हट चुका है। दोस्तों मेरा एक ओपिनियन है कि अगर आप अपने डॉग को होममेड फूड अगर दोगे, अगर थोड़ा बहुत आप ये भी दो, लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस अपने फूड को होममेड फूड दो, जस्ट लाइक आप चिकन दे सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ें हैं जो वो बैलेंस डाइट भी हो जाएगा आपके डॉग के लिए, अगर वो देते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट होगा। दोस्तों आने वाले में वीडियो में बता दूंगा कि वो क्या सस्ता चीज़ें हैं और क्या बेस्ट चीज़ें हैं जो आप अपने घर पर बना करके अपने प्यारे डॉग को दे सकते हो, क्योंकि पेडिग्री पे तो मैं विश्वास कर नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि उसमें जो जिस तरीके से मिलाया हुआ है इंग्रेडिएंट विश्वास ही उतर गया, और ड्रूल्स में भी जो चिकन वाला है उसमें कॉर्न है, और फिर यहाँ रॉयल कैनिन में भी माइस वगैरह है, यहाँ पे कुछ फोकस का बच गया है, उसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा वो विश्वास आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन चुनना है तो आप पपी फोकस पपी फूड सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट है जिस तरीके से इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया है।
तो यही था हमारा आज का वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं वीडियो के नीचे सारे फूड का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके फूड परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको परचेज करना है पप्पी फूड, सबसे बेस्ट डॉग फूड, दोस्तों अगर आप अपने डॉग को भी दे रहे हो तो फोकस पप्पी फूड ही दीजिए और घर का फूड दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ये मिक्स कर दीजिए और थोड़ा बहुत घर का फूड मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पूरा कुछ बैलेंस डाइट भी रहेगा, मनी भी सही रहेगा। और ये डॉग को घर का खाना अगर देते हो, अपने खुद का हाथ का बना के देते हो, तो वो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, मैं आने वाले वीडियो में आपको घर का खाना भी बता दूंगा। दोस्तों कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और डिस्क्रिप्शन से कुछ भी खरीदना हो ये चारों डॉग फूड में से तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में। और दोस्तों मैं डॉग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी की वीडियो बनाता रहता हूं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर सब्सक्राइब का बटन टिप दीजिए और फिर एक बेल का भी आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।